सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने मुंबई स्थित अपार्टमेंट में फांसी लगाकर आत्महत्या की। उनकी मौत के बाद से हर रोज उनकी जिंदगी से जुड़े कई खुलासे होते रहे, लेकिन अब सुशांत सिंह राजपूत की मौत को एक महीने से अधिक हो गया है और अब उनकी आत्महत्या के मामले में एक नया मोड़ आया है। एक महीने बाद उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने उन्हें याद करते हुए एक पोस्ट लिखा। फिर उन्हें दी जा रही धमकी के बारे में भी लोगों को बताया और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह से सीबीआई जांच की भी मांग की है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती ने आज अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर सुशांत की तस्वीर साझा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह से मदद मांगी है। रिया चक्रवर्ती ने अपने पोस्ट में लिखा है, आदरणीय अमित शाह सर, मैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती हूँ। सुशांत के निधन को एक महीने से अधिक समय हो गया है। मुझे सरकार पर पूरा भरोसा है। हालांकि न्याय के हित में मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि इस मामले की सीबीआई जांच शुरू की जाए। मैं केवल ये जानना चाहती हूँ कि सुशांत पर ये कदम उठाने का किसने दबाव डाला। सादर, रिया चक्रवर्ती। इससे पहले किए गए सोशल मीडिया पोस्ट में रिया ने रेप और मर्डर की धमकी देने वालों की क्लास लगाई है। रिया ने लिखा है, मुझ पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए, मैं चुप रही। मुझे कातिल कहा गया, मैं चुप रही। मैं शर्म में चुप रही। मेरी चुप्पी आपको ये बताने का अधिकार कैसे देती है कि अगर मैं आत्महत्या नहीं करूंगी तो मेरा रेप और मर्डर कर दिया जाएगा? क्या आपने जो कहा है उसकी गंभीरता का आपको एहसास है? कानून के मुताबिक ये अपराध है। मैं फिर कहती हूँ कि कोई भी इस तरह के विषाक्तता और उत्पीड़न के अधीन नहीं होना चाहता। आपको बता दें कि इससे पहले रिया ने 14 जुलाई को सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपनी रोमांटिक तस्वीरें साझा करते हुए पोस्ट में लिखा था कि अभी भी अपनी भावनाओं का सामना करने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ रहा है। अपने पोस्ट में रिया ने सुशांत को याद करते हुए लिखा कि आप ही वो हैं जिन्होंने मुझे प्यार में विश्वास करना सिखाया। सुशांत ने बीते 14 जून को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद से ही सोशल मीडिया पर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सुशांत के करोड़ों फैन उनकी मौत को लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कई तो ये मानने को अब भी तैयार नहीं है कि सुशांत ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। वहीं दूसरी तरफ सुशांत के मामले में हुई पूछताछों और चिकित्सकीय कार्रवाई के बाद पुलिस ने अपनी छानबीन पूरी कर ली है। पुलिस इस पूरे मामले की एक रिपोर्ट आने वाले 10 से 12 दिनों में पेश कर देगी। लेकिन अब जाकर रिया चक्रवर्ती, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड रही है, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को लिखते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। अब देखना ये होगा कि इस मांग के बाद सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में क्या नया मोड़ आता है। लाइव सिटीज की डेस्क रिपोर्ट।